हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैस्मिक इंग्लिश एकेडमी। आज की ये लेसन जो है मॉडल वर्ब के ऊपर होने वाला है और ये मॉडल वर्ब का सबसे फर्स्ट लेसन है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मॉडल वर्ब और ये मॉडल वर्ब और टेंस वर्ब में क्या डिफरेंस होता है एंड मॉडल वर्ब को हम क्यों यूज़ करते हैं और साथ ही साथ कुछ मॉडल वर्ब्स जो विशेष रूप से यूज होते हैं जैसे कैन कुड मे माइट के विषय में हम थोड़ा सा आज इसमें इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ये, तो इसमें हम थोड़ा सा जान लेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट लेसन से हम एक एक मॉडल वर्ब के ऊपर हम अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे एंड मेरे साथ इस मॉडल वर्ब की सीरीज पे जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एंड उससे पहले आप लोग एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज मॉडल वर्ब? A modal verb is a type of auxiliary verb that expresses modality, which includes notions such as possibility, necessities, obligation, permission, ability and potentiality। ठीक है, तो मॉडल वर्ब एक ऑक्जिलरी वर्ब है। ऑक्जिलरी वर्ब का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब है जो एक मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये जो ऑक्जिलरी वर्ब जो है ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है? मॉडलिटी। मॉडलिटी मीन्स तौर तरीके, जिस तरीके से कोई काम हुआ है इसको एक्सप्रेस करते हैं। और इस मॉडलिटी में इंक्लूड होता है, ठीक है, एक नोशन की पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, परमिशन, एबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी। तो ये सारे चीज़ इस मॉडलिटी के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ हमें बताने के लिए मॉडल वर्ब का प्रयोग करना होता है। मॉडल वर्ब्स मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, इंडिकेटिंग द एटीट्यूड और जजमेंट ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स द एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब बाय द मेन वर्ब। ठीक है, अब मॉडल वर्ब मेन वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है और हमें दिखलाता है कि एटीट्यूड और एक जजमेंट ऑफ द स्पीकर, ठीक है, स्पीकर का जो भी एटीट्यूड रहता है, जो भी जजमेंट रहता है, किस चीज़ की ओर? उसके एक्शन की ओर। ठीक है, एक्शन या स्टेट मेन वर्ब बताता है उस चीज़ की ओर स्पीकर का क्या एटीट्यूड रहा, क्या जजमेंट रहा, इस चीज़ को बताता है मॉडल वर्ब। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं इस यहाँ पे, आई एट का मतलब मैं खाता हूँ। ठीक है, मैं खाता हूँ। अब जैसे ही इसमें मैं कैन लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मेरी एटीट्यूड को दिखाता है, आई कैन ईट, मेरी एटीट्यूड दिखाता है कि मेरे पास एक एबिलिटी है इस चीज़ को खाने का। ठीक है ना, मैं इसको खा सकता हूँ। आई होप आप लोगों को मॉडल के विषय में थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। मॉडल वर्ब और टेंस वर्ब में क्या मेन डिफरेंस रहता है कि टेंस वर्ब जो है वो एक एक्शन का, कोई भी कार्य का समय को बताता है, जैसे पास्ट में हुआ है कोई कार्य, कोई प्रेजेंट में हुआ है या कोई फ्यूचर में हुआ है, तो ये कार्य बताने का काम टेंस वर्ब करता है। ऑन द अदर हैंड मॉडल वर्ब जो है वो स्पीकर की एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्शन और स्टेट, स्पीकर की जो एक्शन रहेगा तो वो एक्शन का, एक्शन के ऊपर क्या एटीट्यूड रहा स्पीकर का, सब्जेक्ट का, इस चीज़ को दिखलाता है या बताता है। सो हम मॉडल वर्ब्स क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस वेरियस सेट्स ऑफ मीनिंग्स। हम मॉडल वर्ब इसलिए यूज़ करते हैं कोई भी एक पार्टिकुलर मीनिंग का बहुत सारे कलर को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखला सकते हैं कैन कुड मे माइट सेल की मदद से, नेसेसिटी को दिखलाते हैं मस्ट हैव टू और नीड टू की मदद से, और ऑब्लिगेशन को दिखाते हैं मस्ट हैव टू और ऑट टू की मदद से, परमिशन दिखा सकते हैं मे कैन कुड की मदद से, एबिलिटी दिखा सकते हैं कैन और कुड की मदद से, पोटेंशियलिटी को दिखा सकते हैं हम मे माइट कुड के मदद से। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग को दिखाने के लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम ये कैन कुड मे माइट जितना भी है इसको हम किस तरीके से यूज़ करें, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है और इसका यूजेस क्या रहता है, हम एक एक करके बारीकी से हम इसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं।